निकल जाने हैं। कुछ नहीं यार, पटके जो बनाने सीगे तो मैं चल बना ही लेनी हूँ। ठीक है ना, बड़ी चुप चुप जी वे। नहीं कुछ नहीं होया, तो की है होया तो कुछ भी नहीं हैगा। उदास जी लग रही है अज। उदास दी नहीं गल हैगी पिंदर। हाँ देख मेरा ओह ना हादसा हो गया। मैं ना घूमदी सीगी, बाबा दी पूरी मेरी शरदा, पर मेरे को काम ही नहीं बनता जो कुछ इदा है ही मेरे मन च कुछ पता नहीं की गल। मैं तेन एक गल दसा, एदा नहीं सोचीदा हुंदा। जे तेरी शरदा है ना ते बाबा दीप सिंह जी सुन गए भी जरूर। बिल्कुल। ते पर पता की आ, हुण थोड़ा बहुत बंदे ने सबर तो करना पैंदा है। हुण उत्थे बाबा दीप सिंह जी दे गुरद्वारे मैं भी जाणी आ, तो देखिया उत्थे किन्नी संगत आई हुंदी आ, बहुत बहुत है ना, ते सारिआं दीआं झोलीआं भी भरदीआं ना उत्थे। ते फिर तूं क्यों उदास आ, वारी सिर ही वारी आउणी सारिआं दी। इक होर गल दसां पिंदर, तेनूं इक गल दसां मैं, शायद मैं तेनूं दसी भी सीगी फोटो लाग बाबा दीप सिंह जी का। मन मतलब हैगी अजीब जि लगता, खाली जिदा नहीं चला लगता। मैं ना पुरानी स्कूटी जी सी, उस बाबा दीप सिंह जी की फोटो लगाई सी। मेरा बड़ा तगड़ा एक्सीडेंट होया, बाबा जी ने मेरे हाथ दे के बचाया। तो फिर तू कि कहनी है कि मेरी बाबा जी सौंदे नहीं? नहीं उही हूँ उदा मतलब हूँ मेरे दिल में अधूरा अधूरा लगता है। उदो मैंने बाबा जी ने मतलब बचाया, तो नाल मेरी भतीजी भी सी। जिंदर मैं तेन एक गल दसा, जिदा मां दे तीन बच्चे होए ना, ते ओ तिन्ना च फर्क तां नहीं रखदी। नहीं मां नहीं रखदी, मां कदे नहीं ना रखदी। बिल्कुल ओदा ही गुरु हुंदा है, गुरु भी अपने बच्चियां विच फर्क नहीं रखदा। मेनू लगदा पिया आ, मेनू लगदा पिया जिदा मतलब लागे फोटो है ना, बाबा जी मेरे नाल आ, फिर कोई गल नहीं तू टेंशन कर तो लेनी आ फोटो ते की फोटो अज नहीं ते कल लग जूगी। मैं बाबा मैं कह लू कह बाबा दीप सिंह जी नूं बहुत मानदी, बाबा जी बहुत अंग संग सहाय होते आ, ते बाबा जी दी शक्ति बहुत आ, पर सुनूंगा सिर्फ शरदा होनी चाहिए मन टाइम तो लगता ही हूं। कोई भी चीज जिंदर स्टिचिंग काम करते है, सूट बना लग्या भी अपन टाइम तो लगता ना। जे आप कही कि कस्टमर ने सू सूट आके दिता तो कहो दो मिनट बाद दे दो, आप दे थोड़ी सकते हैं। हरेक टाइम चीज नू टाइम पे लगता। हाँ टाइम तो लगता, पर जिदा ना मन हम जो आप जाते हैं, जो मैं दरबार साहब जावा ना, तो उतो बिच दर साहब गुरुद्वार साहब बिच की रास्ता निकलना, आप दीप सिंह गुरुद्वारे जाते आप मत्था टेक के आई, तुर के चल गई सी मैं तर के, तो तुर के चल गए, तो मैं पहुँच गए मत्था टेक के वापस भी आ गए। उत्थे जाके मन में शांति जी मिलती है, वो हैगी तो शरदा मेरे, ये नहीं कि मैं शरदा नहीं, घर बैठे सब कुछ मिलता शरदा, पर मन पता जी यार जब एक्सीडेंट होया सीगा उदो कोई कहंदा नहीं तू बच गई होंगी जिन्नी तेरी स्कूटरी टूटी गई है ना,
बाबा जी का फिर तेन पता उतो झोलिया भर के मिलता मन च नहीं दर्द रखना चाहिए कुछ भी जिंदर हां ना बड़ी शांत होके ना मेरी गल सुन देख जो आप बच्चे एक बच्चे चीज लैके दें तो दूजा नाराज हो जाता जो दूसरे लैके दे दी ना तो पहला नाराज हो जाता है परेशान कर दे है फिर भी अपन बच्चे फर्क रखना नहीं आता है आप हर चीज लैके दे जिनी हो सके साडे वालों है ना ऐदा ही असि भी तो बाबा दीप सिंह जी के बच्चे हाँ है ना हो सकता भी थोड़ा टाइम लग जाए पर शहीदा सिंह गुरुद्वारे ना अज तक ना कोई खाली मुड़िया तो ना किसी ने मुड़ना आ भरोसा नी छंडना चा ते कदी इदां नहीं सोचना कि बाबा जी मेरी सुनदे नहीं है क्योंकि उन्हां नूं बच्चे विच फर्क नहीं आपां उन्हां दे बच्चे ना उन्हां नूं बच्चे विच फर्क करना नहीं आउंदा पर मैं तैनूं इह कहिंदी कि बाबा जी मेरे अंग संग रहिंदे आ मेरे नाल ही रहिंदे आ करना चंगा करना मंदा करना उस राहे तुरी रहनी उदास नहीं बस बाबा जी दीप सिंह ना लैके आराम जिदा जो हुंदा चंगा होवे मंदा होवे ओदा भाणा मन के बस तुरे रहना बड़ा फिर वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।